जय हिंद वंदे मातरम साथियों, इस वक्त की दुखद खबर भारतीय सेना के जवानों की ओर से प्राप्त हो रही है। राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए अलीगढ़ के लाल सचिन लौर भी शहीद हो गए हैं। सचिन अलीगढ़ के टिपल इलाके के नमरिया गौरेला के रहने वाले थे। परिवार में सबके दुलारे सचिन की शहादत की खबर सुनने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बलिदानी जवान सचिन का सैनिक सम्मान से अंतिम संस्कार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 8 दिसंबर को सचिन के सिर पर सेहरा सजना था। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले सचिन लौर जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए हैं। वहीं आने वाली 8 दिसंबर को उनकी शादी होनी थी। टिप्पल क्षेत्र के गांव नगरिया गौरेला में सेना के पैरा कमांडो सचिन लौर ने राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। गुरुवार को परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो घर और इलाके में मातम पसर गया। राजौरी के कालाकोट में बाजमल में हुई बुधवार को मुठभेड़ में सेना के 9 पैरा कमांडो रेजिमेंट के 2 अधिकारियों सहित 4 जवान शहीद हो गए थे। इनमें नगरिया गौरेला के पैरा कमांडो सचिन लौर भी शामिल थे। सचिन की उम्र महज 24 साल है। उनकी मौत की खबर सुनते ही परिजन भी बेसुध हो गए हैं। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। वही आसपास के गांव के लोग बलिदानी सचिन के घर पहुंचकर सांत्वना दे रहे हैं। के बड़े भाई विवेक लौर नेवी में हैं। सचिन लौर 20 मार्च 2019 को आर्मी में भर्ती हुए थे। वहीं 2021 में स्पेशल फोर्स में कमांडो बन गए। इस समय राजौरी के पैरा 2 रेजिमेंट में तैनात थे। सचिन की 8 दिसंबर को शादी थी। मथुरा के माठ में शादी तय हुई थी। घर में इसकी तैयारी चल रही थी और खुशियों का माहौल था। घरवालों ने बताया कि राजौरी में मुठभेड़ से पहले सचिन ने बड़े भाई विवेक से फोन पर बात की थी। कहा था कि यहाँ सब कुछ ठीक है, ऑपरेशन चल रहा है, फ्री होकर बात करने के लिए कहा था। इसके बाद फिर बात नहीं हुई और दुखद खबर सामने आ गई। सचिन के पिता रमेश चंद खेती करते हैं। इस दुखद खबर से माँ भगवती देवी और पिता रमेश का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। शुक्रवार को बलिदानी सचिन का पार्थिव शरीर टिप्पल लाया जाएगा, जहां से सेना के विशेष वाहन से सड़क मार्ग होते हुए उनके पार्थिव को उनके निवास स्थान पहुंचाया जाएगा, जहां गांव में स्थित शमशान घाट पर राजकीय और सैनिक सम्मान के साथ मां भारती के लाडले बेटे को अंतिम विधि दी जाएगी। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में अलीगढ़ के लाल कमांडो सचिन लौर शहीद हुए हैं। सचिन की 8 दिसंबर को शादी होनी थी। जैसे ही बलिदान की खबर परिजनों को लगी तो घर में चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवान सचिन लौर के शिव चरणों में अपर समाचार ट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कोटि कोटि नमन करता है और उनके अदम्य साहस को सलाम करता है, जिन्होंने अपने घर परिवार की चिंता छोड़कर देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। जहां घर में एक और विवाह की तैयारियां हो रही थी और दूसरी तरफ शहादत की खबर सामने आ गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। जवान का पार्थिव देह सेना के विशेष वाहन से सड़क मार्ग होते हुए कल उनके पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां राजकीय और सैनिक सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विधि दी जाएगी। आगे के अपडेट के लिए आप बने रहें अपर समाचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।